सक्सेस की 98 में रात को 11:30 बज चुका है। दो क्वेश्चन आप सभी का था कि भैया थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है और मैं ये खुद देख पा रहा हूं दो दिन से, हो सके आज भी थोड़ा सा बफरिंग करेगा, आप सभी थोड़ा सा आज एडजस्ट करिएगा, कल से ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में जो बीमारी फैला हुआ है ना, इसमें कोई टेक्नीशियन भी जल्दी आ नहीं रहा है एक्चुअल में, लेकिन कल जो है ये काम मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा, जो क्लास है भैया वो रेगुलर नहीं चल रहा है, तो मैंने सुबह वाले क्लास में बोल दिया था करेंट अफेयर वाले में कि रीजनिंग को छोड़ दो और जीके को छोड़ दो, तो तीन क्लास मैं पर्सनली चाहता हूं ये अब से अब रेगुलर रहेगा। सुबह में 4:30 बजे वाला क्लास, एक तो ये वाला क्लास रेगुलर रहेगा और शाम को 6 बजे वाला मैथ का क्लास, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे रीजनिंग वगैरह और स्ट्रैटेजी वीडियो की 60 दिन जो बचा है आपके एग्जाम में CHSL के, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और कहां तक मैंने करवाया था, तो 62 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था अपना रिवीजन फरवरी महीना का, और करेंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के एग्जाम में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो करेंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है, जैसे मैं कराता हूं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को फटाफट उसका आंसर अपने दिमाग में देना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो भी आपको यहीं पर रिवीजन करना है, एग्जाम से 10 दिन पहले नहीं, फिर तो कितना टॉपिक पढ़ोगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो सारा रिवीजन रात को 11:30 बजे यहीं पर करना है और जज करना है कितने आंसर आप सही दे पा रहे हो। क्वेश्चन आने वाला है, कहां तक हुआ था आप सभी का, 62 तक, हां, तो 63 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और यह रहा आप सभी के लिए आपका टाइमर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संस्थान ने चीन से उपन्यास कोरोना वायरस, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है ना, जैसे सभी बोल रहे हैं कि चीन से जो है ये बीमारी आया हुआ है COVID-19, जिसको कोरोना वायरस बोल रहे हैं, पैंडेमिक महामारी, ये बीमारी को जो है वो आपातकाल घोषित कर दिया गया किसके द्वारा, तो कोई भी बीमारी को आपातकाल घोषित कौन करता है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, WHO। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, आंसर पता चल गया WHO, अब साथ में ये भी पढ़ो WHO का गठन कब हुआ था, गठन पढ़ेंगे ना, गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल, ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है 1948 को। अच्छा WHO का हेड कौन है, WHO का हेड कौन है, तो आप बोलेंगे WHO का जो हेड है ना भैया वो है टेड्रोस एधोनोम, ये तो आज के डेट में इतना चर्चा है इनके नाम पर कि कोई भूल ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, और बीमारी बहुत खतरनाक है, इंडिया में ऐसा माहौल बना दिया गया कि बीमारी कुछ है ही नहीं, वो इसलिए ऊपर से ऑर्डर है, जो सब खेला है वो मीडिया के ऊपर है, लेकिन इतना तो समझदार है आप सभी, 500 केस पर डर का माहौल था, आज डेली 10,000 केस आ रहा, 3,00,000 केस पहुंचने वाला है, तो आपका परिवार आपके हाथ में, सरकार के लिए हम लोग बस एक संख्या है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, IBM, नाम सुना होगा, IBM बहुत बड़ी कंपनी, कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर कंपनी, IBM बहुत बार सुना होगा, आपको बताना है IBM का जो CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है, संदीप कॉक, अनिल ग्रोवर, अरविंद कृष्णा या रवि मौर्य, आंसर क्या होगा इसका, टाइमर दे रहा हूं आप देखना, आपको टाइमर में ना 20 सेकेंड का दे रहा हूं जो सफिशियंट है आंसर देने के लिए, अरविंद कृष्णा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, टाइमर हमारे सामने स्टार्ट, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत द्वारा शीर्ष निर्यात वस्तु है, सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है किस चीज का, चाय उत्पाद का या फिर सिल्क साड़ी का, आम का या पेट्रोलियम उत्पाद का, तो जाहिर सा आंसर है, कॉमन सेंस का बात है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं, पेट्रोलियम, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन, एक किताब है कलकत्ता नाइट्स, बहुत पॉपुलर किताब है, बहुत पॉपुलर, बहुत चर्चित किताब है, ठीक है, बहुत पुराना किताब है, इस किताब के लेखक कौन है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, रट लेना, रट्टा मार लेना, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, देखो रजत चौधरी,
कलकत्ता नाइट्स का राइटर कौन है? तो रजत चौधरी, आरसी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब देखो, बस मुझे नहीं देखना है कि मुझे देख रहे हैं आंसर देख रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर मैं बोल रहा हूं रजत चौधरी तो अपने दिमाग में बोलो रजत चौधरी। एक्चुअल में जितना हरकत होगा दिमाग के अंदर ना, उतना रिवीजन बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शन में कभी फंस गए तो जब उस वक्त कोई ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिवीजन का सही तरीका यही है। रात को 11:30 बजे आकर चिल्ला रहा हूं, अभी तो क्लास कुछ दिन से मिस हो रहा है ना, वरना पहले 3-3 महीना चिल्ला चिल्ला कर 7-7 महीना करंट अफेयर रिवीजन करवाया हूं, और सभी बोले भैया एक एक क्वेश्चन पानी की तरह क्लियर है। और मैं यहां तक बोल दे रहा हूं, बैंक का एग्जाम दो, एससीसी का कोई भी एग्जाम दो, रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा। प्रमाण के साथ सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन सारा का सारा आया था, क्योंकि मैं टॉप 200 टॉप 500 के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। जितना है सब करवाना है, जितना भी मेहनत लगे, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। अगला 67 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, और टाइमर हमारे सामने स्टार्ट। यहां पर बोला किस शहर को यातायात प्रबंध में सबसे खराब दर्जा दिया गया है, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामले में सबसे बीजी यानी सबसे खराब शहर कौन सा है? तो ये क्या होगा आंसर आपका? यहां पर दो चीज बताऊंगा, दोनों को सुनना। इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, बेंगलुरु होगा। क्या होगा? बेंगलोर। अब यहां पर ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया झरिया, जो झारखंड में पड़ता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है आपके सीएचएसएल में, सबसे पॉल्यूटेड सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? तब आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। याद रखिएगा, सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा है? झरिया है, याद रखना, झारखंड में पड़ता है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट यातायात प्रबंध के मामले में सबसे खराब कौन सा है? बेंगलुरु, जो कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, अच्छा कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? येदियुरप्पा साहब। किसी को डाउट है क्या? येदियुरप्पा साहब, कोई डाउट नहीं। अच्छा कर्नाटका के राज्यपाल का नाम क्या है, गवर्नर? तो आप बोलेंगे वजुभाई वाला। ठीक, अगला 68 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए पहली केले कंटेनर ट्रेन को आंध्र प्रदेश से किस पोर्ट पर भेजा गया है? एक कंटेनर है पूरा केला का, ठीक है, उसको भेजा गया है आंध्र प्रदेश पोर्ट से, कहां पर? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। ऑप्शन दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। ध्यान से देखो एक बार, ऑप्शन नंबर किसमें? बी में, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ये जो पोर्ट है वो कहां पर पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र, मुंबई में पड़ता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत आप सभी। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मेरे साथ साथ बोलो ये सब चीज। राजधानी अमरावती, मुंबई उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राजधानी मुंबई और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला 69 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 2019 और 20 के लिए पेन गौरी लंकेश पुरस्कार किसने जीता है? गौरी लंकेश बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट थी, आप सभी को पता है, पत्रकार। ये अवार्ड, उनके नाम पर जो पुरस्कार मिलता है, ये अवार्ड किसको दिया गया है 19 और 20 में? तो जम्मू एंड कश्मीर के एक पत्रकार है जिनका नाम क्या है, यूसुफ जमील, इनको ये पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल में आ चुका है 20 वाले एग्जाम में। अगला 70 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर क्या बोल रहा है, भारत की पड़ोसी पहले नैति क्षेत्रीय धारणा पर 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? यह क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। और एक बात, यहां पर इतना पसीना गिरा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है भैया, अगर ये जो एस, जो सक्सेस, जो कामयाबी तक पहुंचना है ना, उसके आगे बहुत कुछ रहता है, डर रहता है, अफसोस रहता है,
या भैया बहुत सारा काटा, मुश्किल रहेगा, मेहनत रहेगा, ये सब पार करने के बाद ही मुझे मिलेगा। अगर आपको लगता है नहीं इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, सोशल मीडिया, मस्ती, दोस्त, ये सब कर कर मिलेगा, फिर तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। एहसास है इस बात का, लेकिन मेहनत कितने जन कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, तीन रिजल्ट, रुकता नहीं है, मेहनत रंग लाता है एक समय में। अगला, एक वीडियो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं बनाऊं कि जो दो तीन साल से एग्जाम दे रहे हैं ना, उनका रिजल्ट अटक क्यों जाता है, कमी क्या है उनके अंदर, प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, और वो फैक्ट, वो सच्चाई बताऊंगा कि सच में आप वो वीडियो देखोगे ना, आप बोलोगे भैया सही मायने में हम इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, यही कमी के वजह से शायद मेरा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। ये वीडियो मैं बनाऊंगा और बताऊंगा सच्चाई क्या है, ठीक है ना? उस वीडियो अब कब आएगा ये नहीं बोलेंगे, संडे को मिल सकता है, क्योंकि इधर आपका रेगुलर क्लास देना है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, संप्रति 9, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक अभ्यास है, यह किस राज्य में इसका अभ्यास का आयोजन किया गया था, यह आपको बताना है। तो कहां पर किया गया था, टाइम तो बहुत दे दिए, मेघालय, ऑप्शन नंबर आपका डी। अच्छा, मेघालय आंसर देकर निकल गए क्या? नहीं निकलना है ना भैया, आंसर देकर क्यों निकलेंगे? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम अभी बताना है भैया हम सभी को, क्या बोलेंगे? कोनाड संगमा, ये मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। अच्छा, अगर मैं बोलूं राज्यपाल का नाम बता दो, आप बोलेंगे भैया याद नहीं है, रात को मैं डेली बोल रहा हूं, यहीं पर पढ़ रहा है, रात को 11:30 बजे रिविजन यही करना है। तथागत रॉय राज्यपाल है, और राजधानी क्या है मेघालय का, तो वो तो सभी को पता है, शिलोंग। ठीक, अगला, थोड़ा नीचे लिख रहा है ना, और मैं भी थोड़ा बहुत नीचे हूं, कोई बात नहीं, अगले क्लास से थोड़ा उठा देंगे। 72 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोला रेजर एफसी द्वारा साइन किए गए बाद पेशेवर फुटबॉल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। देखो, जो रेजर एफसी है ना, ये बहुत बड़ा क्लब है, बहुत बड़ा फुटबॉल का क्लब है। अब इंडिया में फुटबॉल का स्तर इतना नीचे है कि अगर कोई खिलाड़ी अगर बाहर में खेलने जाता भी है तो उसका बहुत बड़ा नाम होता है। मान लो अगर बात करें ना कि कनाडा का, कनाडा में क्रिकेट कम होता है, या बात करें केनिया का, वहां क्रिकेट बहुत कम होता है, अमेरिका का, वहां क्रिकेट बहुत कम होता है, या नेपाल का, अगर वहां के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने आते हैं किसी टीम से, तो उस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। उसी तरह सेम, अगर फुटबॉल का कोई खिलाड़ी अगर बाहर फॉरेन के क्लब में जाकर खेलता है तो बहुत बड़ी बात है। तो पहली महिला बन चुकी है जो फॉरेन के रेजर्व एफसी क्लब में खेलने वाली है। क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं, देवी कहां पर है? बाला देवी, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक, याद रहेगा ना, बाला देवी। अगला 73 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोल रहा है आप सभी को पता है नेशनल गेम होने वाला है, राष्ट्रीय गेम, राष्ट्रीय खेल 2020 का, और इसका तारीख कब है? अक्टूबर में होने वाला है। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, टल भी सकता है, टल गया तो बात का बात है, लेकिन जो 2020 में राष्ट्रीय खेल होने वाला है गोवा में, उसका मैस्कॉट का नाम क्या दिया गया है आपको बताना है, शुभंकर। यानी आप कभी भी देखोगे ना, कोई भी राष्ट्रीय खेल का एक फोटो होता है, उसके ऊपर उसका चित्र होता है, तो वो चित्र किसका रहेगा इस बार? तो एक पंछी है, क्या नाम है आपका? रूबी गुल्ला, एक टाइप की, ऑप्शन नंबर सी, यह एक पंछी है, याद रखिएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोल रहा है अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे, ऑप्शन नंबर डी, पोएट। अगला 75, नए सीबीआईसी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, फुल फॉर्म मस्ट याद करना है, मैंने क्या बोला? सेंट्रल, याद कर लो एक बार, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सी से कस्टम, दिख रहा है ना, अभी तक दिख रहा है कस्टम,
ठीक है, इसके नए चेयरमैन का नाम क्या है? एम अजीत कुमार, ऑप्शन नंबर आपका डी, एम अजीत कुमार। अगला 76 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, फरीदाबाद में 34वें सूरज कुंड मेला का उद्घाटन किसने किया है, यानी फीता वगैरह कौन काटा है उस सूरज कुंड मेला में जाकर? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक, और डेली बहुत बड़ा प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे क्लास पूरा एक घंटा देखना है, इसीलिए मैं टाइमिंग कम कर दिया, 20 से 25 मिनट रात को बस इतना समय देना है, और सुबह में 4:30 बजे 10 से 12 मिनट काम बन गया, इतना तो टाइम दे सकते हैं अगर करंट अफेयर में एक्सपर्ट परफेक्ट बनना है तो। ठीक है, अगला 77 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 8वां पुरुष खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन यानी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से। उस खिलाड़ी का नाम बताऊं, आप सभी ऑप्शन देना, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नो है भैया, वो कैनबरा है। बहुत जन बोलते हैं सिडनी, याद रखिए कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा, वहां पर मुद्रा इस्तेमाल होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला 78 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, आरबीआई मुद्रा चेस्ट के लिए देश की पहली विशेष सुरक्षा टीम किस राज्य में बनाई गई है? अब देखो आंसर बोलकर तो आप सभी निकल जाएंगे कि भैया ये बनाया गया है आपका बिहार में, लेकिन ये आरबीआई करेंसी चेस्ट होता क्या है? ये आरबीआई करेंसी चेस्ट क्या होता है? तो अगर समझेंगे बैंकिंग के टर्म में तो बहुत बड़ा होगा, सरल भाषा में ये समझ जाओ, एक ऐसा ऑफिस जहां पर आरबीआई के एक्सपर्ट रहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक दफ्तर, एक चेस्ट बनाया जाता है ताकि जो भी पुराना करेंसी है वो उसके पास आ सके, जितना भी पुराना करेंसी है, फटा हुआ नोट है या जितना भी अतिरिक्त मुद्रा है वो वहां पर आ सके, उसकी गणना हो सके, उसके बारे में सब कुछ हो सके वहां पर। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, आप बैंक में जाते हैं, नोट फटा होता है, आपको एक बात पता है क्या? अच्छा, जब मैं बैंकिंग की तैयारी करवा रहा था ना, हालांकि बैंकिंग के टर्म में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है 2017 में, शायद 17 में मैंने बैंक स्टार्टिंग में चैनल पर ना मैं बैंकिंग के स्टूडेंट को ही पढ़ाया करता था, तो बैंकिंग के टर्म में सब कुछ क्लियर कर दिए। आप नॉर्मल समझ जाओ, आपको ये बात पता है, अगर मान लो 10 रुपए का नोट है, ठीक 10 रुपए का नोट है, अगर आपका नोट 20 से फट गया फिर भी वो बैंक चलेगा, फिर भी वो पैसा चलेगा भाई, आप रिजर्व बैंक के पास जाएंगे, लेकिन जो पैसा पे नंबर रहता है ना वो नहीं कटा होना चाहिए, फिर भी वो पैसा बैंक वाला वो पैसा लेगा, और वो बैंक पैसा कहां लेकर जाएगा? आरबीआई चेस्ट में, करेंसी चेस्ट में, वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा। बहुत सारा अलग अलग तरीका है, करेंसी मुड़ा है, फटा है, पुराना हो गया, फिर भी वो चलता है, कभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो यह आरबीआई करेंसी चेस्ट कहां पर बनाया गया? बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फगु चौहान, राजधानी पटना। अभी बिहार में 72,000 एलईडी बहुत चर्चा का विषय है भाई, गांव गांव तक सभी कार्यकर्ता तक पहुंचाया गया, शायद 200 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। बताओ मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए बिहार में, लेकिन एलईडी घर घर तक पहुंच गया, और इस पर अगर सवाल पूछो तो वह बोलेंगे देशद्रोही है। सही बात है, अभी देश में कैसा माहौल है, लोग अपनी जान से जूझ रहे हैं, जान के लिए जूझ रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, लोग ना देशद्रोही बोलने लगते हैं, एंटी नेशनलिस्ट है, कांग्रेस का पार्टी का है यार, वोट देकर ऐसा सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? नॉर्मल समझना, सवाल भी नहीं पूछ सकते, सही चीज है। आप बोलो 200 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, इतना पैसा अगर गरीब को आज दिया जाता
या एक कंपनी खुल जाता, वहां पर रोजगार मिल जाता, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? तो बहुत जन बोलेंगे सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार भैया चावल दे रही है, सिर्फ जिंदा रखना है क्या मजदूर बनाकर? फिर अंग्रेज की गुलामी में आज के डेट में अंतर क्या रह जाएगा? ज्यादा नहीं बोलेंगे, देशद्रोही बोलने लगेंगे। अगला 79, किस राज्य सरकार ने पेंशन वितरण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी। और एक बात और बोल दूं, जो भी पेंशन भोगी है ना, उसके द्वारा स्कीम निकाला गया है कि अगर 60 रुपया एक स्कीम निकाला गया, मान लो ना जितने भी लोग पेंशन लेते हैं उसको साल के एंड में ना अपना सर्टिफिकेट जाकर बैंक में जमा करना पड़ता है। अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम निकल गया है कि 60 रुपया आपसे बैंक चार्ज करेगी और घर में आकर बैंक कर्मचारी आपसे वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन पेंशन वितरण का स्कीम चालू किया गया आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, एपी। मैं बता चुका हूं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद, राजधानी अमरावती। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, कला पर्व, काला घोड़ा पर्व होगा यहां पर। यहां पर काला घोड़ा महाराष्ट्र का बहुत फेमस त्यौहार है, बहुत फेमस त्यौहार है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं सभी को पता है, मुंबई में कितना पॉपुलर त्यौहार है। तो वही बोल रहा है काला घोड़ा जो त्यौहार है बंद कर दिया गया है, कहां पर? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला 81, इराक के नए प्रधानमंत्री, इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसने नामित किया गया? अच्छा, किसे बनाया गया इराक का नया प्रधानमंत्री, ये आप सभी को बताना है। तो इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम जो भी हो, पहले सुन लो इराक का राजधानी क्या है। तो इराक का राजधानी है आपका बगदाद, ठीक है। इराक में मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है? इराकी दिनार, ठीक। अब इराक के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक बार डी देखिए, मोहम्मद तौफिक अलवी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला 82, शंकर नारायण जो रिटायर हो गए वो एमडी और सीईओ थे किस बैंक के, ये आपको बताना है। क्या नाम है भाई? अशंकर नारायण जो एमडी और सीईओ थे किस बैंक के, जिन्होंने रिटायरमेंट हो गए, वो कनाडा बैंक के एमडी और सीईओ थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। अच्छा, कैनरा बैंक के तो ये एमडी और सीईओ थे, अभी कौन है? तो अभी है भैया लिंगम, ये याद कर लेना, लिंगम वेंकट प्रभाकर, पी आर ए बी एच ए, पी आर ए बी एच ए के ए आर, लिंगम वेंकटक प्रभाकर। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? याद रखिएगा। अच्छा, कैनरा बैंक का टैगलाइन क्या है? तो उसका टैगलाइन है टुगेदर, टुगेदर वी कैन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कैनरा बैंक का गठन कब हुआ था? अगर मैं बात करूं कैनरा बैंक का गठन का बात छोड़ो, ये तो आपसे एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछेगा, कैनरा बैंक का ये कहां पर है? अगर मैं आपसे बोलूं कैनरा बैंक का कैपिटल बोल रहा हूं, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो क्या बोलेंगे? बेंगलुरु में है। ये याद, ये तीन चीज आपको याद रखना है, एक दो और तीन। रिटायरमेंट याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको याद क्या क्या रखना है, अभी एमडी सीईओ कौन है? लिंगम वेंकटक प्रभाकर, ठीक है, पी आर ए बी होगा प्रभाकर, टुगेदर वी कैन ये टैगलाइन है, और बेंगलुरु क्या है? इसका मुख्यालय है, ये आप सभी को याद करना है। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, उनका नाम बताना है। अमित सिंह, रीना मेहता, नीलेश अग्रवाल या विनोद शुक्ला, चार ऑप्शन आप सभी के पास है, जल्दी से इसका आंसर आप सभी को देना है। आंसर क्या होगा? विनोद शुक्ला, ऑप्शन नंबर आपका डी। फटाफट 84, यहां पर क्या बोल रहा है इसरो, इसरो के चीफ कौन है? के सिवन, याद रखिएगा। इसरो कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान तैयार कर रहा है जिसे कितने किलोग्राम वजन रखा जा सकता है? तो 500 किलोग्राम, ठीक। अगला 85, यहां पर बताना है आप सभी को
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया है? किशोर कुमार वही सिंगर क्या भैया? बिल्कुल वही सिंगर वाला पुरस्कार। चलो किसको दिया गया? वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर आपका डी। ये भी एक बहुत लाजवाब एक्ट्रेस है। 86 नंबर क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। डेली 25 क्वेश्चन, कम टाइम में रिवीजन करवाना है और आज थोड़ा सा बफरिंग कर रहा, मैं खुद देख पा रहा हूं। ठीक है, यहां पर लाइन से कमेंट आ रहा कुछ क्वेश्चन से, भैया बफरिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है। मुझे खुद ऐसा एहसास हो रहा है कि बफरिंग कर रहा है, और उम्मीद करते कल से कम ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी इंडिया के तरफ से हाई कमिश्नर अब श्रीलंका में कौन होंगे, किसे अपॉइंटेड किया गया? तो गोपाल, क्या नाम है, गोपाल बैगले, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 25th क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ तो नहीं, पूरा क्लास खत्म होगा तभी आपको पीडीएफ दूंगा, और 3 क्लास रेगुलर चलेगा, रात को यही 11:30 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 बजे वाला करेंट अफेयर, और एक शाम को 6 बजे वाला मैथ का क्लास। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो बहुत जन डिसलाइक इसी तरह करते हैं, 2-3 लोग तो पता नहीं वो लोग कौन है, नाम कम से कम कभी दिखता तो पूछते प्रॉब्लम क्या है, कुछ दिक्कत तो मुझे बताइए कि मैं कुछ क्या ठीक कर सकता हूँ। कभी कभी देखते हैं वीडियो स्टार्ट होता है तो 120 लाइक रहता है, 1 डिसलाइक, वो डिसलाइक क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कर देता है, दिमाग में बैठा करके डिसलाइक करना है इसका वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, गुड नाइट।